डीएनए वर्सेस आरएनए। डीएनए और आरएनए में ये डिफरेंसेस हैं कि डीएनए जनरली डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज सुगर होती है जिसके सेकंड कार्बन पर एक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। आरएनए में राइबोज सुगर होती है जिसके सेकंड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जो कि रिएक्टिव ग्रुप होता है। ओके, डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो प्यूरिन एंड पायरिमिडिन हैं। प्यूरिन दो हैं, एडिनिन ग्वानिन, एंड पायरिमिडिन भी टू हैं, थायमिन एंड साइटोसिन। आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेस हैं वहाँ पर थायमिन के प्लेस पर यूरेसिल पाया जाता है, यानी कि एडिनिन ग्वानिन यूरेसिल एंड साइटोसिन, ये चार नाइट्रोजन बेसिस पाए जाते हैं आरएनए के अंदर। और डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है डीएनए, प्रोटेक्टिव होता है, जबकि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और आरएनए का जो सेकंड कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है इस वजह से वो ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है। तो डीएनए में जो चेंजेस आते हैं वो स्लो आते हैं, जबकि आरएनए में बहुत जल्दी म्यूटेशंस हो जाते हैं। तो आरएनए क्या है, अनस्टेबल है। तो जेनेटिक मटेरियल होने के लिए ये ज़रूरी है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्टेबल हो। ओके, एंड वो मेंडेलियन जो फैक्टर्स हैं उनको एक्सप्रेस कर सके, कैरेक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके। डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है सेल्स के अंदर, और डीएनए से आरएनए भी बनता है, यानी कि आरएनए डीएनए के द्वारा बनता है। डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है आरएनए के अंदर, और आरएनए के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर सेल के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल इन कंपेयर टू आरएनए। इसीलिए लगभग सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, बैक्टीरिया से लेकर हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में, डीएनए ही एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। आरएनए कुछ वायरसेस के अंदर एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। डीएनए वायरसेस भी होते हैं और आरएनए वायरसेस भी होते हैं, लेकिन कुछ वायरसेस में जैसे कि कोरोना वायरस, रीनो वायरस, एड्स का जो एचआईवी वायरस है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आरएनए वायरसेस। तो कुछ वायरसेस में आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए भी अधिकतर कई वायरसेस में डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, रेप्लिकेशन। व्हाट इज द मीन ऑफ रेप्लिकेशन? द फॉर्मेशन ऑफ कॉपी ऑफ डीएनए इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। सेल के इनसाइड डीएनए से डीएनए बनना, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। तो इसको हम समझेंगे, लेकिन डीएनए का जो रेप्लिकेशन है ये सेमी कंजर्वेटिव होता है, यानी कि जब डीएनए से नया डीएनए बनता है तो इसका जो डबल स्ट्रैंडेड जो पार्ट है वो अनवाइंड हो जाता है, ठीक है। और अनवाइंड होने के बाद में ये जो डीएनए है, ये पेरेंटल डीएनए जो थ्रेड है या स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है, और इनके ऊपर नए डीएनए जो है, नया डीएनए जो फ्रेगमेंट है या स्ट्रैंड है वो बनता है। यानी कि जो नए डीएनए बनते हैं तो उसमें एक स्ट्रैंड पेरेंटल होता है और एक स्ट्रैंड न्यूली फॉर्म होता है। दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, सो 1958 में मैथ्यू मेसेलसन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ने एक्सपेरिमेंट किया, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो उन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया लिए, और इन इकोलाई बैक्टीरिया को पहले ऐसे मीडिया के ऊपर कल्चर किया, ग्रो किया, जिसमें हैवी आइसोटोप जो है, नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप पाया जाता है। तो इसको हम N15 से शो करते हैं, हैवी आइसोटोप को। ओके, तो ऐसे मीडिया जिसमें अमोनियम क्लोराइड था, हैवी आइसोटोप था जिसके अंदर, वहाँ पर 3 to 4 जनरेशन्स तक कल्चर किया इकोलाई बैक्टीरिया को, और फिर उसका जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो उसका जो बैंड है वो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में नीचे की ओर मिला, ठीक है, ड्यू टू हैवी N15 हैवी आइसोटोप। ओके, फिर इन इकोलाई बैक्टीरिया को दूसरे मीडिया के ऊपर शिफ्ट किया जिसमें लाइट आइसोटोप कंटेनिंग जो है मीडिया था, वो जिसमें अमोनियम क्लोराइड N14 था।
तो वहां पर जब प्लेस किया और वहां जब कल्चर किया तो डीएनए के अंदर जो लाइट आइसोटोप है नाइट्रोजन का वो इनकॉर्पोरेट हो गया। और इस बार जब इकोलाई बैक्टीरिया के कल्चर को सेंट्रीफ्यूज किया तो जो डीएनए का जो बैंड है वो मिड में मिला, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में थोड़ा अपर साइड में मिला, हायर साइड में मिला। ओके, इसका रीजन है क्योंकि जब N15 के जो स्ट्रैंड है जब अनवाइंड हुए तो ये N15 के थे, ठीक है, लेकिन इस इन पे जो नए स्ट्रैंड बने क्योंकि मीडिया के अंदर N14 था तो नए स्ट्रैंड N14 वाले बने, तो इससे हाइब्रिड डीएनए बना। और यही कारण है कि सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर जो डीएनए का बैंड है वो मिड में आया हाइब्रिड डीएनए का। ओके, फिर उनको अगेन जो मीडिया है जिसमें N14 आइसोटोप था उसके ऊपर कल्चर किया इकोलाई बैक्टीरिया को। और इस बार जब सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया गया तो एक जो बैंड है वो एकदम हायर साइड में मिला जो कि लाइट आइसोटोप कंटेनिंग था, और दूसरा जो बैंड है वो मिड में मिला जैसा कि पहले मिला था हाइब्रिड डीएनए का। तो इस बार क्या हुआ कि जो 50% जो पोर्शन था उसमें हाइब्रिड डीएनए वाला पोर्शन होने की वजह से 50% पार्ट जो हाइब्रिड डीएनए का आया और जो बाकी 50% है इसके अंदर लाइट आइसोटोप वाला जो है बैंड आया। ओके, तो यहाँ देखिए आप कि यहाँ पर जो है 50% हाइब्रिड डीएनए मिला और 50% लाइट डीएनए मिला। तो ये देखिए आप, ये स्ट्रैंड N14 का है और ये स्ट्रैंड N15 का है, तो ये हाइब्रिड डीएनए है। इनमें दोनों स्ट्रैंड N14 वाले हैं तो ये लाइट डीएनए है, इनमें भी दोनों स्ट्रैंड N14 वाले हैं ये भी लाइट डीएनए है, और इनमें एक स्ट्रैंड N14 का है और एक स्ट्रैंड N15 का है तो ये हाइब्रिड डीएनए है। और इस तरीके से सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर जो है यहाँ पर सबसे पहले बैंड नीचे की ओर मिला, सेकंड टाइम यहाँ मिड में मिला, और थर्ड टाइम दो डीएनए बैंड्स मिले सेंट्रीफ्यूगेशन कराने पर, एक हायर साइड में और एक मिड में। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूव हो गया कि डीएनए जो है उसका जो रेप्लिकेशन है ये सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब हम डिस्कस करेंगे द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। फॉर द रेप्लिकेशन दे रिक्वायर्ड सम ऑफ द एंजाइम्स प्रोटीन्स आयंस एंड एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर कुछ एंजाइम्स हैं जो रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड हैं, हेलिकेज एंजाइम, टोपो आइसोमरेज एंजाइम, SSB प्रोटीन्स, RNA पॉलीमरेज जो कि DNA डिपेंडेंट होता है, DNA पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, एंड DNA पॉलीमरेज अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड सिग्मा यूकैरियोटिक सेल के अंदर, एंड DNA लाइगेज एंजाइम, इसके अलावा डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, कुछ प्रोटीन एंड मैग्नीशियम आयंस, इसके अलावा एनर्जी ATP के फॉर्म में या GTP के फॉर्म में यूज होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हेलिकेज एंड टोपो आइसोमरेज एंजाइम के प्लेस पर गायरेज एंजाइम पाया जाता है, गायरेज एंजाइम। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर गायरेज एंजाइम हेलिकेज एंड टोपो आइसोमरेज दोनों का रोल प्ले करता है। सबसे पहले ये रेप्लिकेशन फोर्क का डायग्राम है, सबसे पहले डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में हेलिकेज एंजाइम ऐड होता है और ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अनवाइंड करता है, खोलता है। ओके, इसके बाद में SSB प्रोटीन दोनों स्ट्रैंड पर अटैच होती है जिससे दोनों स्ट्रैंड वापस से रिकॉइल या रीजॉइन ना हो पाए। SSB प्रोटीन के जुड़ने से और दोनों स्ट्रैंड पर जुड़ने से दोनों जो स्ट्रैंड है वहां पर तनाव आता है जिसे रिलीज करने के लिए टोपो आइसोमरेज एंजाइम ऐड होता है यहाँ पर, जो कि दोनों स्ट्रैंड पर आए हुए तनाव को रिलीज करता है। इसके बाद में जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ से एक छोटे आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करता है आरएनए पॉलीमरेज। एक चीज़ और, डीएनए में वो सिक्वेंस जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और ओरी।
तो यहाँ आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज होता है, फिर प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा एंड यूकैरियोटिक सेल में डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा के द्वारा इस स्ट्रैंड का पॉलीमराइजेशन होता है और कॉन्टिन्यूसली ये स्ट्रैंड बनता है 5' से 3' की ओर, एंड इसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, इसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और इनके बीच में यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाती है। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और यहाँ ये न्यूली फॉर्म डीएनए स्ट्रैंड है। तो ये कॉन्टिन्यूसली बन रहा है, इसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जो अपोजिट स्ट्रैंड है यहाँ पर भी आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा आरएनए प्राइमर बनता है, लेकिन क्योंकि अपोजिट अरेंजमेंट होता है तो यहाँ पर जो डीएनए के जो स्ट्रेचेज हैं या जो फ्रेगमेंट हैं वो डिसकॉन्टिन्यूसली बनते हैं। हर बार एक नया आरएनए प्राइमर बनता है, फिर उसका पॉलीमराइजेशन होता है। तो 1968 में जैपनीज साइंटिस्ट ओकाजाकी ने इन फ्रेगमेंट्स को डिस्कवर किया, तो इन्हें हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। इन डिसकॉन्टिन्यूस फ्रेगमेंट्स को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। तो ये भी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा ही पॉलीमराइज होते हैं और यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये जो स्ट्रैंड है ये बाद में बनता है, लेट बनता है, इसे हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ये पहले बनता है, इसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो ये लीडिंग स्ट्रैंड है कॉन्टिन्यूसली जो स्ट्रैंड है, और ये लैगिंग स्ट्रैंड है। अब इन फ्रेगमेंट्स के या स्ट्रेचेस के बीच का जो गैप है ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम के द्वारा फिल होता है, और डीएनए पॉलीमरेज अल्फा एंजाइम के द्वारा यूकैरियोटिक सेल में फिल होता है। ओके, इसके बाद में कोई रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड अगर डीएनए में आ गया है या जुड़ गया है, तो उस रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड को प्रूफ रीडिंग के द्वारा और फिर उसको रिप्लेस किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम के द्वारा एंड यूकैरियोटिक सेल में डीएनए पॉलीमरेज बीटा के द्वारा। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल में एंड डीएनए पॉलीमरेज अल्फा यूकैरियोटिक सेल में गैप्स को फिल करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड डीएनए पॉलीमरेज बीटा ये प्रूफ रीडिंग करते हैं, रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड को रिप्लेस करते हैं। ओके, इसके बाद में जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं ये आपस में डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा ज्वाइन किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 5 एंजाइम बताए हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो इनमें जो डीएनए पॉलीमरेज गामा है ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के रिपेयर में रोल प्ले करता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के रिपेयर को रिपेयरिंग में रोल प्ले करता है ये। ओके, और जो डीएनए पॉलीमरेज सिग्मा है ये ही ला सेल्स ये जो कैंसरस सेल्स होती है वहाँ ये पाए जाते हैं और वहाँ ये अपना रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से डीएनए में एक स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूसली बनता है और सेकेंड स्ट्रैंड जो है डिसकॉन्टिन्यूसली बनता है। डीएनए के रेप्लिकेशन के प्रोसेस के दौरान जो बनने वाले आरएनए प्राइमर्स हैं इनको रिमूव किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा एंड डीएनए पॉलीमरेज अल्फा के द्वारा यूकैरियोटिक सेल में, और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा प्रोकैरियोटिक सेल में। इस तरीके से डीएनए का जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो सेल्स के अंदर पाया जाता है।